मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। कुछ पार्टियां अपने रूठे हुए नेताओं को मना रही हैं, तो कुछ ने साफ कह दिया है कि रूठे हुए फूफाओं को मनाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगातार एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं प्रिया बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे खास प्रोग्राम एमपी करण में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में अमित शाह ने दिया गुरु मंत्र, सपा बसपा के उम्मीदवारों की मदद करे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चला बड़ा दाव, सपा प्रत्याशी को बीजेपी करा दी ज्वाइन। कांग्रेस में होने वाली है बड़ी बगावत, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बढ़ रही दूरी। कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, मल्लिकार्जुन खड़गे नाम मात्र के अध्यक्ष, पूरी फसल भैया बहन काट रहे। एमपी में एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 1 करोड़ की अवैध शराब से भरे 2 कंटेनर जब्त। पहली खबर में बात करेंगे एमपी में अमित शाह के दिए गए गुरु मंत्र की। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करो, ये जितने मजबूत होंगे उतना हमें फायदा होगा, यही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अपने रूठे हुए फूफाओं यानी बीजेपी के बागी नेता को मनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शाह का कहना है कि अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। फूफा अपने आप 10 तारीख तक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी जो लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं उनसे जरूर संपर्क करें, उनको मनाने की कोशिश करें जिससे वो अपना नाम वापस ले ले। अगर जरूरत हो तो मुझे भी बात कराइए। जिन पर लाभार्थियों को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला है उनसे सीधे संपर्क करो, उनका वोट हर हालत में डले इसके प्रयास करो। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह जब सपा और बसपा के उम्मीदवारों को दाना पानी देने की बात कर रहे थे उसी समय अशोक नगर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि उनके यहाँ इन पार्टियों से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो काफी पैसे वाले हैं। इस पर शाह ने दो टुक कहा, राजनीति में जो लोग पैसा कमा लेते हैं वो खर्च नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि वो पैसे वाले हैं तो उनकी मदद नहीं की जाए। शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों के बीजेपी पदाधिकारी, प्रवासी, जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक ली। वो यहाँ 4.25 घंटे तक रुके, उसके बाद दिल्ली रवाना हो गए। शाह ने 300 पदाधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे चर्चा की। दूसरी खबर में बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस दाव की जिससे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन सिंधिया ने सपा प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करा दिया। सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी ने एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। टिकट न मिलने से नाराज भक्ति तिवारी ने बीजेपी छोड़ दी थी। भक्ति तिवारी 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो सपा में शामिल हो गए और खरगापुर विधानसभा सीट से टिकट हासिल कर लिया। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल भक्ति तिवारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हैं। 2020 में वो सिंधिया के समर्थन में बीजेपी में शामिल हो गए थे और इस बार खरगापुर विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने भी भक्ति तिवारी को उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद सपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन सिंधिया ने उनकी बीजेपी में वापसी करा दी है और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया। खरगापुर सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम रही उमा भारती के भतीजे और शिवराज कैबिनेट में राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद भक्ति तिवारी ने कहा कि वो बीजेपी के लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार करेंगे। भक्ति तिवारी के बीजेपी में शामिल होने से सपा को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की समय सीमा खत्म हो गई है। आखिरी दिन कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन दाखिल किया।
21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक टोटल 3,832 उम्मीदवारों ने 4,359 नामांकन दाखिल किए हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस में होने वाली बड़ी बगावत की, जिसकी आशंका अभी से होने लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस में टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गजों के बीच बढ़ती दूरियों से पार्टी परेशान है। हालांकि एमपी में दोनों नेता सफाई दे रहे हैं कि हमें कोई मतभेद नहीं है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को दोनों के बीच सुलह करानी पड़ रही है, दोनों को दिल्ली बुलाया गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण पर दो दिन पहले कहा था कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। दोनों के दिल्ली जाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तंज कसा। एमपी के में टिकट वितरण के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर रहे हैं, कई जगहों पर विरोध भी हुआ है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ने लगी है। इसके बाद दिग्विजय सिंह की सक्रियता भी मध्य प्रदेश में कम होने लगी। हालांकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी की जरूरी मीटिंग की वजह से कुछ कार्यक्रम रद्द हुए थे। पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि दिग्विजय सिंह की पसंद पर कमलनाथ ने मुहर नहीं लगाई, वो इस राह में रोड़ा बने हैं। कई जगहों पर इसकी झलक दिखी है, जहां दिग्विजय सिंह के समर्थकों को इग्नोर किया गया। वो लंबे अरसे से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन सूची में उनके नाम नहीं आए। इसके बाद कथित रूप से दिग्विजय सिंह ने भी अपने पावर का उपयोग किया है और कई उम्मीदवारों के नाम पर कैंची चलवाई है। दोनों के बीच मतभेद की खबरें हवा हवाई की थी, लेकिन इसे बल तब मिला जब शिवपुरी विधानसभा सीट से दावेदार वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ को घेर लिया। इस पर कमलनाथ ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। इसके बाद ये विवाद तूल पकड़ने लगा। अगले दिन कमलनाथ ने पैचअप की कोशिश की। वचन पत्र के कार्यक्रम में कहा कि हम दोनों में पारिवारिक रिश्ते हैं, हमने गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी दिग्विजय सिंह को दे दी है। इसके साथ ही मतभेद की खबरों को दोनों बड़े नेता नकार रहे हैं। चौथी खबर में बात करेंगे सीएम शिवराज की, जिन्होंने अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी में खलबली मचा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीहोर जिले की बुथनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब बुथनी में अपना प्रचार करने नहीं आएंगे, प्रदेश की बाकी 229 सीटों पर प्रचार कर फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, असल में तो भैया बहन फसल काटते हैं। नामांकन से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और उसके नेताओं को जमकर आड़े हाथ लिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अब वो लोग तो सेठ अरबपति उद्योगपति है, गांव गली क्या जाने, मध्य प्रदेश की माटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना तो नरा ही जैत में गड़ा है। उनको तो पता ही नहीं होगा कि नरा कहाँ गड़ा है, वो तो नरा का मतलब भी नहीं जानते होंगे, वो तो ठहरे परदेशी, चुनाव में आते हैं फिर चले जाते हैं, एक दिन मेरे साथ दौरा करके देख ले, दिन भर फिर दूसरे दिन उठ ले, तो बताएं कांग्रेस के मित्र परेशान बहुत रहते हैं, सोचते हैं कि डेढ़ पसली का ये शिवराज कहां से आ गया, उन्होंने एक बार तो मेरा श्राद्ध ही कर दिया था, तब मैंने कहा कि मैं राख के ढेर में से भी उठकर खड़ा हो जाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि देखो उनमें और हमें क्या अंतर है, वो आटे को किस चीज में तोलते हैं, लीटर में। अब भैया धान का खेत काटने पहुंच जाएं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि धान जमीन के नीचे होती है या जमीन के ऊपर, वो जमीनी वास्तविकता से परिचित नहीं है। हमने तो बखर हाके हैं, ढूली टांग कर उराई भी करी है, हम सेवा करेंगे तो ऐसी करेंगे कि जमाना याद रखेगा कि कोई आया था। मेरी जिंदगी का लक्ष्य है जनता की जिंदगी बेहतर बनाना। आज मैं पूरे प्रदेश की बहनों को कह रहा हूँ कि आने वाले 5 सालों में हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा। घर का काम काज करते हुए बहनें 1,00,000 रुपए से ज्यादा हर साल कमाएंगी। चौहान ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, सपा आप और कांग्रेस में भी दिग्गी गुट, सेठ कमलनाथ गुट, अरुण यादव और अजय सिंह गुट और ना जाने कितने गुट हैं, ये तो भगवान ही जाने। पांचवी खबर में बात करेंगे चुनाव से पहले लगातार हो रही एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
दरअसल विधानसभा चुनाव के चलते जिले भर में की जा रही सर्चिंग और वाहनों की तलाशी के दौरान बिलपांग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिलपांग पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब लेकर जा रहे 2 कंटेनरों को जब्त किया। इस मामले में 2 आरोपियों की भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बिलपांग पुलिस ने रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान 2 कंटेनरों की तलाशी ली तो पता चला कि इन कंटेनरों में लगभग 1100 पेटी शराब भरी हुई थी। कंटेनर चालकों से शराब के दस्तावेज मांगे जाने लगे पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। प्रारंभिक पूछताछ में कंटेनरों के चालकों ने अपने नाम सतीश जाट और भगवान जाट बताए हैं। दोनों ही रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। चालकों ने बताया कि ये शराब वो मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। शराब के परिवहन से संबंधित दस्तावेज नहीं होने के चलते पुलिस ने दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार करते हुए अवैध शराब और कंटेनरों को जब्त कर लिया है। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रण में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।